भी नहीं आया नहीं सर, सर चालू करो किले मत रुको सर। हाँ सर, सलमान खान भी नहीं अभी तक। हाँ हम पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री चालू था हमारा कल। लेसन स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हमने कल देखा था मटेरियल सोर्सेस। हाँ मटेरियल सोर्सेस में हमने देखा था बहुत सारे जो कॉइन्स वगैरह जो पुराने रहते वो मटेरियल सोर्सेस में रहते थे। फिर बाद में हमने देखा बिल्डिंग एंड पैलेसेस के बारे में भी, किंग्स के। फिर कुछ पुतले वगैरह रहते थे किंग के, पावरफुल किंग्स के, वो भी एक एक सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री रहते थे। मतलब इन शॉर्ट इनको ये बताना है कि वो पुराने चीजें जिससे हमें पुराने बातों की जानकारी मिलती थी पुराने चीजों के बारे में। देखो फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो किसके ऊपर से, क्या गारंटी? हमें तो गारंटी लगती है आजकल सबको। हाँ तो वो टाइम पे हमारे को उनके बारे में लिखे हुआ मिलेगा, हमारे को उनके बारे में स्टोरीज मिलेगी, वो टाइम के कॉइन्स मिलेंगे, वो टाइम की राज मुद्राएं मिलेंगी, हमें वो चीज मालूम पड़ते थे। नेक्स्ट वाले बोलते रिटर्न सोर्सेस। रिटर्न सोर्सेस तो बताया लिखा पढ़ी में। फिर मैप्स एंड ड्रॉइंग, इसी अपन ने एक पैराग्राफ है उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चालू करा हुआ पेपर मूक नायक के बारे में भी लिखा पढ़ा था। और फिर बाद में मैप्स एंड ड्रॉइंग्स में, अब मैप्स एंड ड्रॉइंग्स का चालू करते हैं। क्या लिखा है, मैप्स, मैप इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहता, मैप से हमें सब चीज मालूम पड़ते हैं, ईच एंड एवरी चीज की, इंग्लैंड का लोकेटेड है, इंडिया का लोकेटेड है, ईच एंड सब चीज का लोकेटेड है। ये मैप्स की वजह से भी हिस्ट्री मालूम पड़ती थी। मैप्स की वजह से, ये देखो इंडिया, तुमने देखा ब्रिटिश राज का मैप, ब्रिटिश रूल के टाइम में मैप, वो कैसे डिवाइड था? रुको मैं दिखा ही डालता हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी निधि? Yes. देखो ये मैप जो है इंडियन एम्पायर का दिख रहा है आपको कुछ? ये तो अभी का मैप दिख रहा है जिसमें yes. अफगानिस्तान अलग था पूरा, दिख रहा है ना आपको मैप? आयोग ने तो प्रेम होगा वो आज रिकॉर्डिंग करके सेंड कर रहा हूँ सर। गुगे सर, पवार सर, पवार सर कौन है? आज रिकॉर्डिंग करके मैं भेज डालता हूँ उनको, पवार सर, गुगे सर। भेजो। अब ये वाला जो मैप दिख रहा है, डीसीजा मैम को भेजो। ये वाला जो मैप है सामने, ये वाला मैप है ना ब्रिटिश इंडिया का, मतलब ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये मतलब ब्रिटिश वाले ने जिसपे रूल करा था, जिनका पावर था उनका, वो रेड कलर में ये वाला। और जो ये येलो वगैरह में दिख रहा है ना, मतलब वो प्रिंसली स्टेट पे, मतलब वहां पे ब्रिटिश का कंट्रोल ज्यादा नहीं था, वो कंट्रोल था सब्सिडरी अलायंस के तहत, बट बाद में कंट्रोल नहीं था ना। इसमें हैदराबाद भी देखो, हैदराबाद औरंगाबाद दिख रहा है आपको? जूम करा मैं नहीं, हां नहीं दिख रहा सर, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, रुको मैं देखता अभी। नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, देखो जूम करा है मैंने, इधर औरंगाबाद है, देखो हैदराबाद इतना बड़ा था कि पूरा रीजन दिख रहा है हैदराबाद का, वहां पे वो निजाम जिंदा था इसलिए ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था। पर ये जो बाकी का है पूना, क्योंकि पूना में किसका था, छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर बाजीराव पेशवे वगैरह उनका रूल था, बाद में वो चले गए थे। हाँ तो वह पुणे में किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, मुंबई वो टाइम के बॉम्बे था, फिर मैसूर, मैसूर में ब्रिटिशर्स का कम रूल था, कम रूल बोले तो सब्सिडरी अलायंस, हाँ सब्सिडरी अलायंस था वो टाइम पे। ओके तो मैप से भी हमें समझता है, देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये कलर में दी थी, अब मैप से भी हमें समझा ना कि ब्रिटिशर्स का रूल कहाँ था कहाँ नहीं था। तो मैप्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स, मैप इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। द चेंजिंग नेचर ऑफ अ सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस थ्रू मैप्स। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड।
थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड अ मैप्स ऑफ इंडिया वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया सिटीज एक्सेट्रा सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन्ड बाय द आर्किटेक्ट प्रूव इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टडी ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ अ बिल्डिंग एक बिल्डिंग के बारे में देखो तुम क्या बोलते एक ऐप से हम ये भी जान सकते थे कि जो आर्किटेक्ट है इंडिया का आर्किटेक्ट कैसे था फिर बिल्डिंग्स वगैरह इंडिया के बाउंड्रीज वगैरह फ्रंटायर लिमिट्स वगैरह ये सब हम मैप से जान सकते थे दिगामा के पास तो मैप नहीं था पहले वो कैलकटा आया था तो उसने मैप की मार्किंग करी होंगी और वो मैप की मार्किंग की वजह से वो इंडिया का रास्ता जान पाए थे बाकी के ब्रिटिशर्स डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट हैज द ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय द आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स वो टाइम का जो बॉम्बे था इतना तो डेवलप नहीं होने वाला वो टाइम का बॉम्बे जान सकते हैं हम और फिर बाद में जो प्रोग्रेस हुआ जो कुछ भी प्रोग्रेस हुआ वो सारी बातें हम मैप्स के थ्रू जान सकते हैं ओके समझ गया अभी नेक्स्ट वाला है ओरल सोर्सेस ओरल सोर्सेस बोले तो बोले हुए जैसे ओरल सोर्सेस मतलब मुंह से बोले हुए ये क्या बोलते हैं एग्जांपल है ना जैसे तानाजी मालोसारे ने क्या बोलते वो कोरपट को चढ़ाया था और फिर बाद में वो पहाड़ पे चढ़ा था इतने ऊपर के तो वो तो ओरल सोर्सेस है किसने जाके देखा था उधर जाके देखे हुआ है क्या नहीं फिर ओरल सोर्सेस किधर जा रही है देखो ओरल सोर्सेस है इट्स राइट इट्स वेल एंड गुड बट है ना ओरल सोर्सेस पे कंप्लीट रिलाय नहीं कर सकते हम ओरल सोर्सेस कौन से पोवाड़े फोक सॉन्ग मैंने एक बुक पढ़ी थी प्रेम है ना प्रेम इधर हाँ रंजीत देसाई की छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक है ना है क्या नहीं प्रेम वो बुक है तो चलो ओरल सोर्सेस में क्या है फोक सॉन्ग फिर बाद में क्या है पोवाड़ास पोवाड़ास तो मालूम है हमारे को फोक सॉन्ग में ये भी है अब देखो ये जो ओरल सोर्सेस में भारत माता बोल के भी आती है अब भारत माता क्या असली में थी तुम्हें लगता है इट वॉज एन एलिगोरी वो सिर्फ ड्रॉइंग थी देखो कोई ऐसे जंगल से घूमता होगा जंगल में से और वो शेर पे शेर के साथ घूमता होगा ऐसे कभी होगा क्या नहीं तो बोलेंगे शेर सर वो भी सब है ना कौन घूमेगा कौन को बोलता मैं शेर के साथ घूमो बोल कौन घूमेगा नहीं तो इधर नेहा को बोलता मैं शेर के साथ घूमो प्रेम को बोलता चलो प्रेम घूम सकता है सर मैंने घूम सकता पर संभाजी महाराज ने उनको फाड़ा है ना वो तो वो बात सही है जो तुम बोल रहे हो ना प्रेम अभी वो बात सही है नेक्स्ट क्या है फोक टेल्स मतलब जिसे आपने कहानी नहीं क्या शाहिस्ता खान द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ इंडिया शाहिस्ता खान पे शिवाजी महाराज ने वो करा था फिर 1857 का वॉर रानी झांसी के बारे में उसको बोलते हैं फोक टेल्स फिर नरेशन कुछ नरेशन सुनगे उनके बारे में गड़ाला पर सिया गेला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मेरा खून गिर गया सॉरी कहाँ पे गिरा बताओ चालू चालू जियो का खून था फिर इंटरव्यूज अब इंटरव्यू वो टाइम पे इंटरव्यू कौन लेता था बाबा जाके अभी झांसी की रानी का इंटरव्यू किसने लिया होगा आई डोंट नो सर वो तो आप पेशवे से लिया होगा सर आप बताओ वो तो बोलो पेशवे बाजीराव का सर आप बड़े हो आप ही बताओ हां देखो अभी सोनिया ये क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी जी का हमारे पास प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बोला सॉरी मेरे को पकड़ पकड़ के मारेंगे प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उनका इंटरव्यू लिया 37 क्या पता वो कल पता आदित्य का है वो ट्राई करते आदित्य का नंबर है मैं लगाता यहाँ से आदित्य को ज्वाइन नहीं हो पा रही लगता हूँ सर मेरे पास तो मेरे को सेंड करो ये इस पे ही सेंड करो मैं डायल करता आदित्य का नंबर फिर क्या है फायर चल सा हो गई कनेक्ट आदित्य हो गई लगता कनेक्ट नंबर दो भेजो पर
जलसा आर्ट ग्रुप्स आयोग हाँ सर तो बोलते हाँ ये बराबर है रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कुछ नहीं होता रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो बराबर तो बोल रहा ना सर आयो सर अब मैं म्यूट कर रहा सबको तुम लोग बातचीत कर रहे थे ओके अब इंस्पिरेशनल सॉन्ग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वर कंपोज्ड आयोग उसको म्यूट करके रखो आयोग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ म्यूटिंग रंदो आपको अनम्यूट मत करो मैंने म्यूट करा था ना फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वेर कंपोज जैसे वो टाइम पे है ना बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग कंपोज करे थे फ्रीडम मूवमेंट के रंग जैसे भारत माता वंदे मातरम एक फिगर चाहिए थी मतलब इंस्पिरेशनल फिगर चाहिए थी इसलिए भारत माता को उन्होंने कंपोज करा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने At present, some of these songs are available in written form. अभी भी दिखते हैं हमें जैसे हमारे national anthem वगैरह वो time पे compose करा था ना But there are many other unpublished inspirational songs memorized by the freedom fighter. सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये तो memorize करा था हमारे दिल में बाजुए कातिल में तो क्या नाम तुम्हारा दोनों भी आयोग और ये आयोग प्रेम दोनों म्यूट करके रखो बाद में जो कंधा डालने का तो मैं एग्जिट कर दूंगा तुम्हारे को सॉरी सर दो दिस लाइन इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड आल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड अब पोवाड़ा इज अ सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट और वर्क ऑफ अ पर्सन इसको क्या बोलते हैं पोवाड़ा तुम्हारे पोवाड़ा के बारे में मालूम है देयर आर वेरियस पोवाड़ास कंपोज्ड ऑन अ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857 वैलर ऑफ रेवोल्यूशनरीज मतलब ग्रेटनेस ऑफ रेवोल्यूशनरी ब्रेवरी ऑफ ब्रेवरी बोलते हैं वैलर का मीनिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सेट्रा दिस पोवाड़ा वेर यूज्ड टू क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट अमंग द पीपल अपार्ट फ्रॉम द फ्रीडम Apart from the freedom movement, the povadas were composed based on the works of Satya Shodhak Samaj for awakening among the oppressed classes. The Samyukta Maharashtra movement and other such movement. फिर बाद में video audios वो पुराने time के movies रहते pictures रहते वो भी काम में रहते history के बारे में जानने के लिए during the modern period. Due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recording films, etc. Obviously, these photographs, records, or films, videos, hai wo. Ye drawing mat karo iske upar. Jo kar raha hai, rub kar do. There was a development in the arts of photography, recording films, etc. Obviously, these photographs, records, or films can be used. As a source of history. During the modern period, due to the development of technology, there was a development in the films of art, photography, recording, films, etc. Obviously, these photographs, record or film can be used as a source of history. This can be used as a source of history of photographs. Photographs are visual source of modern Indian history with the discovery of Kunal is here working. 1 minute. तब जो ये films है वो time के movies वो भी बताते हैं हमारे को history के बारे में Films are also a source of history.
Flints are considered as a unique discovery of modern technology. In the 20th century, there was a great development in the technique of filmmaking. 20th century bole the period starting from 1901 to period kab tak 2000 tak usko 20th century bolte hain. Dada Saheb Phalke in the year Dada Saheb Phalke in the year 1913 laid the foundation of Indian film industry. Audio visual recording of Dandi Yatra, Salt Satyagraha, Quit India Movement and such other historical incident are available. Wow, sir, keep this in mind. Prem is talking with me. अपना हिस्ट्री का चैप्टर पूरा कर लेते हैं. स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ओके. फिल्म्स आर कंसीडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी. ओके. ये दादा साहब फाळके इन द ईयर 1930 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, साल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट आर अवेलेबल. थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट कुड बी सीन इन रियलिटी. Compared to ancient and medieval period, the sources of study of modern Indian history are found in abundance and variety. The archaeological sources of this period are to a great extent found in a better state. There are many written sources preserved in the archives. But archives bole the collection of documents jiske andar rehta usko bolte the archives. But while referring the written sources, the ideology of and opinion of the author regarding the particular event needs to be examined. There is a great need of preserving these historical sources through which the rich tradition of history can be handed over to the next generation. Okay, yahan pe tumhara lesson khatam hota hai. Okay, ab main exit kar raha hu ye meeting ko. Ye lesson khatam ho gaya sir. Uncle, haan boliye. आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या है? कौन सा आइडियोलॉजी? कहाँ पे दिख रहा तुम्हें वर्ड? आइडियोलॉजी बोले तो एक पर्टिकुलर आइडिया. इट्स एन आइडियोलॉजी. और कुछ क्वेश्चन है? नो. हाँ? हेलो? नो सर. साक्षी कुछ क्वेश्चन है क्या? हेलो? कुछ क्वेश्चन है क्या साक्षी? क्वेश्चन आंसर समझा डालने के क्या? ओके ठीक है जी. क्वेश्चन आंसर देख लेंगे अपन लगे ही तुरंत ही. ओके, अमंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस, ये रीति की नजर. हाँ, अमंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अमंग द हिस्टोरिकल सोर्सेस डैश सोर्सेस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो पहला वाला आएगा, ऑडियो विजुअल सोर्सेस ही आने वाला है. राइट? यस, वो मॉडर्न ही आने वाला है. फिर सेकंड वाला, द डैश इज अ म्यूजियम इन पुणे व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी. अब सेलुलर जेल द अंडमान निकोबार में. ओके, आगा खान पैलेस भी पुणे में है. लक्ष्मी विला पैलेस ये है गुजरात के अंदर है, बड़ोदरा के अंदर है. सेलुलर जेल अंडमान में, साबरमती आश्रम गुजरात में. A unique discovery of modern technology in 20th century. 20th century में modern technology देखो, films तो पहले था, film पहले नहीं था, films तो modern ही है. Photography भी पहले, interviews, films ही है. I think films ही है. ये देखो ना, films है, films. हाँ, films are considered as a unique discovery of modern technology in the 20th century. Films ही उसका answer है. Yes, films है. ओके, ये वाले जो आंसर्स है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. न्यूज़पेपर इसके अंदर मिल जाएगा, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर मिल जाएगा तुम्हारे को. ये आंसर मिल जाएगा सर. राइट, शॉर्ट नोट. ये शॉर्ट नोट भी सब है टाइटल के साथ. फॉलोइंग मटेरियल सोर्सेस कौन से कौन से? मटेरियल सोर्सेस इसके अंदर दिए हुए. मटेरियल सोर्सेस भी दिए हुए. दो मिनट में हो गया सर ये तो. ये लेसन भी हो गया. हाँ सर. कल हम नेक्स्ट वाला लेसन लेंगे, यूरोप एंड इंडिया. ओके ओके, बाय एवरीबॉडी. इंडिया, यस.